आज हम बात करेंगे विजय थालापति की बचपन के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में और उनकी फिल्मी करियर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फिल्म है जिस फिल्मों की वजह से आज वो सक्सेसफुल है, तो उन सारी फिल्मों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार का जन्म हुआ था 22 जून 1984 को चेन्नई तमिलनाडु में। विजय का असली नाम है जोसेफ चंद्रशेखर और वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े परिवार से आते हैं। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है और उनकी माता शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर है। विजय का बचपन बहुत ही साधारण लेकिन सांस्कृतिक माहौल में बीता। उनका बचपन चेन्नई में बीता जहां वो एक मिडिल क्लास परिवार के सदस्य के रूप में बड़े हुए। विजय की शिक्षा भी चेन्नई में हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फतिमा मैट्रिकुलेशन स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने लॉयला कॉलेज में दाखिला लिया जहां से उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशंस की डिग्री हासिल की। हालांकि विजय ने भी पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई लेकिन उनकी असली रुचि बचपन से ही अभिनय में थी। विजय के माता पिता को उनके इस शौक का एहसास था और उन्होंने विजय को हमेशा प्रोत्साहित किया, खास तौर पे उनकी माँ जिन्होंने विजय को संगीत और नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने में खूब मदद की। विजय ने कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा। जब वो केवल 10 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता की फिल्म में एक छोटे से रोल में काम किया। ये उनकी पहली झलक थी फिल्मी दुनिया में। धीरे धीरे विजय को एहसास हुआ कि उनका असली जुनून फिल्मों में ही है और वो अपने पिता के गाइडेंस में अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने का सोचने लगे। विजय का परिवार शुरू से ही फिल्म बैकग्राउंड से रहा है इसलिए फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण होना बहुत ही स्वाभाविक है। उनके पिता ने उन्हें तमिल इंडस्ट्री के कई पहलुओं से अवगत कराया जिसमें विजय को इंडस्ट्री में शुरुआती समझ मिली। उनके पिता का मार्गदर्शन और उनकी माँ का संगीत और कला के प्रति प्यार दोनों ने विजय के परिवार को एक मजबूत नींव दी। नालाया थिरुपु विजय की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस नहीं हुई लेकिन ये उनके करियर की शुरुआत थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई पुए उकागा 1996 में। इस फिल्म में विजय ने एक इनोसेंट लवर का रोल प्ले किया था। यह फिल्म उनकी पहली मेजर हिट थी और इसने उन्हें तमिल सिनेमा में एक प्रोमिनेंट स्टार बना दिया। लव टुडे एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें विजय ने एक यंग लवर का रोल प्ले किया। फिल्म की कॉमेडी और रोमांस ऑडियंस को बहुत पसंद आया। और बाद में फिल्म आती है गिली। गिली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें विजय ने कबड्डी प्लेयर का रोल प्ले किया। फिल्म के एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और एंगेजिंग स्टोरी ने इसे हिट बनाया। थिरुपाची इस फिल्म में विजय ने एक विलेज यूथ का रोल प्ले किया जो लोकल गुंडे के खिलाफ लड़ता है। ये फिल्म भी कमर्शियल सक्सेस थी। पोकरी एक एक्शन फिल्म थी जिसमें विजय ने एक अंडर कॉप का रोल प्ले किया। फिल्म की एक्शन सीक्वेंस और विजय की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया। कावलन एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसमें विजय ने एक बॉडीगार्ड का रोल प्ले किया। फिल्म की स्टोरी और विजय की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। लवा
உனக்கு என்ன எதுவும் கோவலா இல்லல அவ பாக்க எப்படி அழகா இருப்பாளா அவ்ளோ இஷ்டம் துப்பக்கி एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें विजय ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया। फिल्म ने टेररिज्म के खिलाफ विजय की फाइट को दिखाया और ये मेजर सक्सेस थी। और आगे फिल्म उनकी देखते हैं जीला, एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें विजय ने एक पावरफुल डॉन का रोल प्ले किया। फिल्म की स्टोरी और उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे हिट बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं मार्शल। मार्शल एक सोशल ड्रामा फिल्म थी जिसने विजय ने 3 अलग अलग रोल्स निभाए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एटली ने। फिल्म ने कॉरपोरेशन और जस्टिस के खिलाफ विजय की फाइट को हाईलाइट किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। और आगे हम बात करते हैं सरकार। सरकार एक पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसमें विजय ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का रोल प्ले किया जो पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव लाना चाहता है। ये फिल्म भी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। विजय की सोशल कमेंट्री को शोकेस करती है। ஒரு நாள்ல என்னெல்லாம் மாறும் மாற போகுதுன்னு ஓரமா நின்னு வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க. ஐ அம் எ கார்ப்பரேட் கிரிமினல். इसके बाद हम बात करते 2021 में रिलीज हुई मूवी मास्टर, जो कि पैंडेमिक में रिलीज हुई थी। मास्टर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें विजय ने एक प्रोफेसर का रोल प्ले किया था जो एक ट्रबल जुएल स्कूल में एंट्री करता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली और विजय की परफॉर्मेंस को बहुत लोगों ने पसंद किया और इसी फिल्म से हम भी विजय थालापति के फैंस बन गए थे। भवानी भवानी, मैं सीधा मेरे इलाके में घुस गया हूं भवानी। और आगे हम बात करते विजय थालापति की एलसीयू में एंट्री होती है लियो मूवी से। लियो एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें विजय ने एक इंटेंस और ड्रामेटिक रोल प्ले किया। ये फिल्म मास एंटरटेनर थी और ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया। और हाल ही में विजय थालापति की मूवी रिलीज हुई ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। ये विजय थालापति की सेकेंड लास्ट फिल्म है। इसके बाद उनकी एक ही फिल्म आएगी और उसके बाद वो हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कहेंगे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आप सभी के लिए ला सकें।